सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 6 तरह के एंटीबायोटिक्स की जांच के लिए एमसीआर में चिकन के नमूने लिए थे। जब चिकन के नमूनों की जांच रिपोर्ट आई तो सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। जांच में 40% सैंपल में एंटीबायोटिक मिले, 17% सैंपल में एक से ज्यादा तरह के एंटीबायोटिक मिले। सैंपल साइक्लिन, कोलेट्रेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एंड्रोफ्लोक्सेसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन और नियोमाइसिन के सैंपल मिले। इलाज में काम आने वाले ये सभी एंटीबायोटिक किस कदर बीमार बना सकते हैं इसका अंदाजा शायद आपको ना हो, लेकिन डॉक्टर चिकन में मिले एंटीबायोटिक्स को आम आदमी की सेहत के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं। एक एक कर हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स वाला चिकन कैसे आपकी सेहत और जान का दुश्मन है। चिकन में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होने पर दांतों और हड्डियों को नुकसान होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बेहद नुकसानदेह है। टेट्रासाइक्लिन वाला चिकन खाने पर लीवर डैमेज हो सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन वाला चिकन खाने पर हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे चिकन से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप मुर्गी को एंटीबायोटिक खिलाओगे तो वो एंटीबायोटिक उसके अंडों से या मुर्गे के मांस से मनुष्य के अंदर में आ सकती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो, कंटिन्यूअस पीरियड में हो, सेम टाइम की एंटीबायोटिक वाला मुर्गा अगर आप खा रहे हो तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो इसमें चिकन के सैंपल्स में मिले दूसरे एंटीबायोटिक्स भी कम खतरनाक नहीं है। एनफ्लोक्सासिन मिला चिकन शरीर में टॉक्सिक इंपैक्ट करता है। एनफ्लोक्सासिन के असर से उल्टी हो सकती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन वाला चिकन शरीर में एलर्जी पैदा कर सकता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन से नसों को नुकसान पहुंच सकता है। दवाई के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ये एंटीबायोटिक्स चिकन के सैंपल में मिले। सीएसई की रिपोर्ट के बाद अब मांग हो रही है कि सरकार इन पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए साफ साफ दिशा निर्देश जारी करे। मैटर ऑफ कंसर्न है, रेगुलेशन बॉडी को सोचना होगा कि इस तरीके की चीजों को बैन करे जैसे बाकी कंट्रीज में बैन है। आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आपके मुंह का स्वाद आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। चंद लोग मुनाफे के लिए आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आखिर चिकन का एंटीबायोटिक कैसे चिकन नहीं खाने वालों को भी बीमार बना सकता है। कुमार कुंदन, दिल्ली, News 24। एंटीबायोटिक वाला चिकन सिर्फ चिकन खाने वालों के लिए खतरनाक नहीं है। जी हाँ, केमिकल वाला ये चिकन उनके लिए भी खतरनाक है जो चिकन नहीं खाते। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है सीएसई की रिसर्च में। देखिए, चिकन को जानलेवा बनाने का खेल सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही नहीं है, ये खेल पूरे देश में धड़ल्ले से खेला जा रहा है। इस खेल में शामिल है देश की ताकतवर पोल्ट्री इंडस्ट्री। भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री हर साल करीब 50,000 करोड़ का कारोबार करती है। सालाना 10% की रफ्तार से बढ़ रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री। सालाना करीब 24 अरब मुर्गे परोसे जाते हैं। चिकन में एंटीबायोटिक का खुलासा करने वाली संस्था सीएसई का दावा है कि उसने पूरे देश में चिकन के सैंपल की जांच कराई थी और पूरे देश में चिकन में एंटीबायोटिक पाए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर के जो शहर हैं उससे कुछ 70 चिकन सैंपल उठाए और उस 70 चिकन सैंपल में हमने 6 तरह के एंटीबायोटिक टेस्ट किए और वो एंटीबायोटिक टेस्ट किए जो कि हम अगर बीमार होते हैं तो वो एंटीबायोटिक खाते हैं। हमारा जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ये बताता है कोई 40% चिकन सैंपल में 40% में हमें एक या एक से अधिक एंटीबायोटिक मिले। देश भर में चिकन को जानलेवा बनाने का खेल चल रहा है। सीएसई के जानकार आने वाले खतरे की तरफ संजीदा लहजे में इशारा कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में छोटी छोटी बीमारियां जानलेवा बन सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियां इसलिए जानलेवा हो सकती हैं क्योंकि बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं का असर मरीजों पर नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चिकन में पाया जाने वाला एंटीबायोटिक पहले ही शरीर में मौजूद होगा और वो दवाइयों का असर नहीं होने देगा। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे और आपके एंटीबायोटिक मिसयूज करने से नहीं हो रहा है, एनिमल के थ्रू भी, क्योंकि एनिमल इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक का इस तरह से मिसयूज हो रहा है उससे भी हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि एंटीबायोटिक वाला चिकन सिर्फ उनके लिए जानलेवा नहीं है जो चिकन खाते हैं। ये चिकन उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जिनका चिकन से दूर दूर तक का नाता नहीं है। यानी ये चिकन उनको भी बीमार बना सकता है जो शाकाहारी हैं।
एक तरह से अगर आप वेजिटेरियन भी हो फिर भी आपको एंटीबायोटिक हो सकता है रेजिस्टेंस, आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ सकते हैं क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक मिसयूज हुआ है। तो अब खतरे की घंटी बज चुकी है, सीएसई की रिपोर्ट का इशारा साफ है, अगर हम आज नहीं जागे तो अगले कुछ सालों में ये समस्या जानलेवा हो सकती है। इसलिए वक्त अब एक्शन लेने का है, केंद्र सरकार को पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज 24।